बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, जिसमें तीन केसेस हमने देखे थे इसके फर्स्ट लेक्चर में। तो पहले दो केसेस हम कवर कर चुके हैं इससे पहले दो लेक्चर में। उसके बाद हम इस लेक्चर में आप क्या कवर करेंगे, थर्ड केस को। और थर्ड केस क्या है, यहाँ पर चले मैं लिख भी देता हूँ और उसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे भी। ठीक है, थर्ड केस है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो हमारे पास पॉलिनोमियल होती है उसके फैक्टर्स पे डिपेंड कर होता है किस तरह के उसके फैक्टर्स होंगे। एक तो लीनियर होंगे, ठीक है, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक जो है रिड्यूसेबल भी हो सकते हैं और इररिड्यूसेबल भी हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, और उसमें से रिड्यूसेबल भी हो सकते हैं और इररिड्यूसेबल भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे कैसे, यानी कि कैसी एक्सप्रेशन आएगी जिसके, यानी कि फैक्टर जो हैं वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे और रेडियस लीनियर भी होंगे। सपोज मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूं 1/(x³-1)। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है। अगर इसको आपने मतलब के इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ऐसे जैसे यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रेट फार्मूला या स्ट्रेट थ्योरम नहीं है कि आप वो यूज़ करते हुए इसको इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करेंगे, चलिए पहले तो इसके फैक्टर्स हम बना के देखते हैं कि ये किस टाइप का, यानी कि इसके फैक्टर्स किस टाइप के हैं, किस केस से रिलेटेड हैं। तो चलिए इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स इसके किस तरह से बन सकते हैं, x³-1 के आप a³-b³ का इसके ऊपर अगर फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक एक्स की एक्स का होल क्यूब माइनस वन को हम लिख सकते हैं वन का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद a³-b³ का फार्मूला ये बन रहा है। तो a³-b³ किसके इक्वल होता है, a-b इंटू a² यानी कि इसमें a जो है x है, तो x² बन जाएगा, x² प्लस ab यानी कि x इंटू वन इज x प्लस वन यानी कि b का स्क्वायर। ठीक है, तो x³-1 के हमने फैक्टर्स यहाँ पर बनाए जो कि इक्वल है x-1 इंटू x² प्लस x+1 के। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x-1 इंटू x² प्लस x+1 के इक्वल। ठीक है, अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है। देखें इसके फैक्टर्स किस टाइप के हैं। पहला फैक्टर आप अगर देखें x-1, ये तो लीनियर फैक्टर है और लीनियर फैक्टर है। उसके अलावा आप दूसरे फैक्टर्स पे आएं, दूसरा फैक्टर है x² प्लस x+1। इस फैक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये कौन सा फैक्टर है, किस टाइप का फैक्टर है? इसमें पावर x की जो है मैक्सिमम पावर आप कह सकते हैं वो क्या है, 2 है। ठीक है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं ना, 9th 10th में भी पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, यानी कि लोअर क्लासेस में आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप तक आपको ये पता होना चाहिए कि जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। अच्छा, ये है लीनियर, लेकिन इसमें ये फैक्टर क्या है, क्वाड्रेटिक है, चाहे ये रिड्यूसेबल या इररिड्यूसेबल है उससे अभी हम उस पर अभी हम बात नहीं करते। ठीक है, क्वाड्रेटिक। अच्छा, अब इसको फिर हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में यानी कि रिजॉल्व करेंगे, चले वो भी मैं आपको बता दूं कि किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। कि सपोज ये है 1/(x-1) इंटू x² प्लस x+1। अभी मैं ये इंटीग्रेशन के साइन यहाँ से डाल देता हूँ, अभी हम सिर्फ इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू a/(, जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है उसी उसको हम उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह हम पहले दो केसेस में लिखते आए हैं, a/(x-1) इसी तरह से प्लस b/। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर को आपने किस तरह से लिखना है, इसमें पावर 2 है तो हम इसके साथ जो है 2 ऊपर जो है अल्फाबेट्स लिखेंगे, जिस तरह से ये सिंगल है। ठीक है, इसमें हम bx+c लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक में कवर
कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर की आप मैथ देख लें, उसमें चैप्टर था पार्शियल फ्रैक्शन का, वो आप देख सकते हैं अगर आप ये देखना चाहते हैं हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो बी एक्स प्लस सी हमने लिखा डिवाइडेड बाय, दूसरा फैक्टर आ जाएगा क्वाड्रेटिक वाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से ए और बी और सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। उसके बाद दो आपके पास ये फ्रैक्शंस बन चुकी हैं, ठीक है। तो मतलब कि इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें, ये इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू इन दोनों फ्रैक्शंस की इंटीग्रेशन फाइंड करने के, ठीक है। तो मतलब कि इनकी आप इंटीग्रेशन फाइंड करें, उनको आपस में सम करें, तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन के इक्वल आ जाता है वो रिजल्ट, ठीक है। तो मतलब कि अपनी आसानी के लिए हम ये करते हैं कि इंटीग्रेशन को आसानी से हम कैसे फाइंड कर लें, तो इस वजह से हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, ये तो थी एक एग्जांपल, अब हम एक कंप्लीट एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक और फ्रैक्शन लिखता हूँ, 2x² + 6x डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू x² + 2x + 3, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, इसको हमने इंटीग्रेट करना है इस फ्रैक्शन को विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए साथ में डी एक्स के साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसमें देखना है कि इसमें जो डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सी पॉलिनोमियल है, ये आपको नजर आ रही है x² + 1 × 2x² + 2x + 3, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हम बनाते हैं, पहला है x² + 1, इसके फैक्टर्स हम कैसे बनाएं, ये तो इररिड्यूसिबल है, इसके फैक्टर्स को हम नहीं बना सकेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि x की पावर इसमें मैक्सिमम कितनी है, 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। और दूसरा फैक्टर आप अगर देखें x² + 2x + 3, ठीक है, तो इसको भी आप रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये भी इररिड्यूसिबल है, ठीक है। उसके अलावा ये क्वाड्रेटिक भी है, तो मतलब कि आप इसमें फैक्टर्स किस तरह के आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक आ रहे हैं। इसमें क्या था, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर था कि हमने इसके फैक्टर्स बनाए x³ - 1 के, तो वहां से हमें जाके पता चला एक फैक्टर लीनियर है और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें दोनों फैक्टर्स ही क्या है, क्वाड्रेटिक है और इररिड्यूसिबल है। तो इसको हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में यानी कि लिखेंगे या रिजॉल्व करेंगे, चले हम ऐसा करते हैं कि इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं, 2x² + 6x डिवाइडेड बाय x² + 1 × x² + 2x + 3। और दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ से देखें तो कोई आपको फार्मूला या कोई ऐसा थ्योरम आपको नहीं मिलेगा कि जिससे आप इसको डायरेक्टली जो है वो इसको इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। तो हम इसको इस वजह से पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं पहले। तो पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से रिजॉल्व करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के बाद आप उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। तो सबसे पहले तो आपने लिखना है, देखना है कि पहला फैक्टर किस टाइप का, क्वाड्रेटिक है तो आपने ए एक्स प्लस बी दो कॉन्स्टेंट्स लिखने, उसके साथ डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर हो जाएगा x² + 1, उसके बाद प्लस, ये भी क्वाड्रेटिक है तो सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय दूसरा फैक्टर x² + 2x + 3, ठीक है। मतलब कि इसकी इंटीग्रेशन जो है वो इन दोनों फ्रैक्शंस के सम के इंटीग्रेशन के इक्वल है, सम ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस की इंटीग्रेशन के इक्वल है, ठीक है। और साथ में dx भी साथ लिख देते हैं क्योंकि हमने एंड पे इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, उससे पहले हमें ये a, b और c और d की वैल्यूज हमें पता होने चाहिए, और वो फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इंटीग्रेशन का साइन अभी हटाते हैं, ठीक है। पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि इस तरह से हम इंटीग्रेट इसको करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस डिनोमिनेटर वाली पॉलीनोमियल से, ठीक है। तो मैं कलर भी साथ में चेंज कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय x² + 1 × x² + 2x + 3, ठीक है। इससे आपने मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, राइट साइड पे भी मैं लिख देता हूँ x² + 1 × x² + 2x + 3, इसी तरह से इस साइड पे भी आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय x² + 1 × x²
प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इसको जो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होती हैं वो कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाली टर्म भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो अब टर्म्स बचती हैं उनको हम लिख लेते हैं। बाकी टर्म्स कौन सी बची हैं यहाँ पर, लेफ्ट साइड पे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स बचा, राइट साइड पे क्या बचा, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू, यहां पर टर्म बची है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हमने क्या करना है, हमने तो ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इन सब टर्म्स को जो मल्टीप्लाई हो रही है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि ए एक्स जो है इस पूरी पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं ए एक्स, चले बल्कि हम ऐसा करते हैं कि पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब हो जाएगा, ए एक्स इंटू टू एक्स जो है वो बन जाएगा टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो थ्री ए एक्स बनता है, ठीक है। प्लस अब बी को हमने मल्टीप्लाई करना है इन तीनों के साथ, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस थ्री बी, ठीक है। तो ये हमने यानी कि इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है। अब हमने सी एक्स प्लस डी को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन को, तो मैं ऐसा करता हूँ नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर हमारे पास जगह कम है। तो सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज सी एक्स क्यूब, और सी एक्स इंटू वन इज प्लस सी एक्स, प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर इज डी एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू वन इज डी, ठीक है। तो ये हमने सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर दी, जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर की टर्म्स अलहदा करनी है, एक्स क्यूब की टर्म्स अलहदा करनी है, और एक्स की जो टर्म्स बचती हैं वो अलहदा करनी है, और कॉन्स्टेंट्स अलहदा करनी है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पर भी एक्स क्यूब तक हम लेकर जाते हैं, एक्स क्यूब की टर्म है नहीं है तो हम ऐसे कहते हैं कि जीरो एक्स क्यूब प्लस, अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म इसके बाद आएगी टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाली टर्म सिक्स एक्स, और कांस्टेंट इसमें नहीं है तो प्लस जीरो लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में हमने कंपेयर करना है। तो यहाँ पर जो क्यूब वाली टर्म्स हैं, एक ये है ए एक्स क्यूब और ये है सी एक्स क्यूब, ठीक है, दो टर्म्स हैं, इनमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस सी। इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आप लेते हैं, एक है टू ए, टू ए उसके बाद बी प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पर लास्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर वाली है वो डी है प्लस डी। ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हमने लिख ली, अब हम एक्स वाली टर्म्स लिखते हैं, यहाँ पर है थ्री ए, थ्री ए उसके बाद टू बी प्लस एक्स वाली टर्म्स हम लिख रहे हैं प्लस सी आ जाएगा, तो ये टर्म्स होगी। उसके बाद लास्ट वन जो है एक्स क्यूब भी हमने लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स भी लिख ली, एक्स वी वाली भी टर्म्स भी लिख ली, अब कॉन्स्टेंट्स बच गए, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं, एक थ्री बी है और एक डी है, थ्री बी प्लस डी, इसमें से देख लीजिएगा अगर कोई गलती वगैरह होती है, मतलब कि कोई इसमें से स्किप ना होगी वो टर्म, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैं मेथड आपको बताना चाह रहा हूँ, तो मेथड आपको पता होना चाहिए, तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से एक्स क्यूब वाली टर्म्स जो है वो कंपेयर करते हैं, ठीक है, यहाँ से ये एक्स क्यूब वाली टर्म है, ठीक है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ये एक्स क्यूब, यानी कि राइट साइड पे जो टर्म एक्स क्यूब वाली है उसके कॉफिशियंट को हमने कंपेयर करना है किससे, जो लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब वाली टर्म है उसके कॉफिशियंट से। तो कंपेयरिंग कॉफिशियंट्स, मेथड का नाम इसका है कंपेयरिंग कॉफिशियंट्स। अच्छा,
सबसे पहले हम एक्स क्यूब को के कॉफिशियंट्स को कंपेयर करें तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी, एक इक्वेशन ये आई थी, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाली जब टर्म्स के कॉफिशियंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आया क्या आएगा, 2 इज लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 2 है और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट क्या है, 2a प्लस बी प्लस डी। ठीक है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर के बाद हम एक्स के कॉफिशियंट्स को कंपेयर करते हैं, एक्स के कॉफिशियंट्स क्या है, लेफ्ट साइड पे एक्स का कॉफिशियंट 6 है और राइट साइड पे आप अगर देखें तो 3a प्लस 2b प्लस c, ये एक्स के कॉफिशियंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वन जो कॉन्स्टेंट्स हैं सिर्फ उनको कंपेयर कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करें हम, लेफ्ट साइड पे कॉन्स्टेंट क्या है, कोई भी नहीं है तो 0 और राइट साइड पे कॉन्स्टेंट्स क्या है, 3b प्लस डी। इसी तरह ये चार इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं और चारों चार ही अननोन है। ठीक है, तो इन इक्वेशन को आपस में सॉल्व आउट करें। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है रिजल्ट में क्या आएगा, ए बी और सी डी की वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो वो आप खुद सॉल्व करेंगे और मैं यहाँ पर ए बी और सी डी की वैल्यूज लिख देता हूँ कि आपके पास क्या आनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, इनको सॉल्व करके ए इज इक्वल टू 2 आएगा, बी आपके पास बी की वैल्यू जो है वो 1 आएगी और सी की वैल्यू -2 आएगी, डी की वैल्यू भी -3 आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज आएंगी। उसके बाद आपके पास जब ये वैल्यूज आ जाएंगी आपने दोबारा से उस इक्वेशन में पुट कर देने, जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन मैंने लिखी थी वो इक्वेशन मैं चले दोबारा लिख देता हूँ, 2x² प्लस 6x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, 2x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में जब रिजॉल्व किया तो किस तरह से हमने लिखा था, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, इस तरह से हमने रिजॉल्व किया था। तो यहाँ पर अब हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यूज आ चुकी हैं, वो हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 प्लस, बल्कि यहाँ पर ये नेगेटिव, इसमें से इन दोनों की वैल्यूज नेगेटिव हैं, कॉमन लेंगे बाहर नेगेटिव आ जाएगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x प्लस 3। अच्छा, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कम्प्लीटली रिजॉल्व कर लिया, तो 2x² प्लस 6x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 3, यानी कि इसको हमने, इस फ्रैक्शन को हमने दो फ्रैक्शंस के सम के इक्वल यानी कि लिख लिया। ठीक है, रिजॉल्व कर लिया, इनको अगर आप आपस में सेपरेट करेंगे तो आपके पास दोबारा से यही टर्म आ सकती है। ठीक है, यही फ्रैक्शन आ सकती है। तो क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब ये है कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन का ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको यानी कि रिजॉल्व करने का फायदा ये होगा कि इसको जो है इंटीग्रेट करना, दो अलग अलग छोटी अब यहाँ ये बन चुकी हैं, सिंप्लीफाई हो चुकी हैं थोड़ी सी इसके, इससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो फ्रैक्शंस हैं इसके मुकाबले में ये सिंपल है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा आसान है। तो हम ऐसा करते हैं, आप इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखें, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम, नीचे x² प्लस 1 है। ठीक है, अगर इसको आप फंक्शन कंसीडर करें तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x प्लस 0। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 2x तो मौजूद है, अब 0 हम खुद से बना लेते हैं, मतलब कि 0 तो हम वैसे भी प्लस 0 लिख सकते हैं ना, तो या 2x सिर्फ हम कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव है। तो हम ऐसा करते हैं कि चलें इसको i1 का नाम दे देते हैं और इसको i2 का नाम दे देते हैं। i1 और i2 को हम अलग-अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। i1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम लहदा लहदा लिख देते हैं, इसको भी कि 2x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 प्लस
इंटीग्रल, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी हम साथ में लिखते हैं, और 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स, ठीक है, मतलब कि हमने 2x भी डिवाइड हो रहा है इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो हमने अलग लिख दिया, 1 भी डिवाइड हो रहा है तो उसको मैंने अलग से लिख दिया। तो अब यहाँ से आप देखें तो ये फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये थ्योरम बन चुका है। इसको हम डायरेक्टली हम ऐसा करते हैं, नेचर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिख देते हैं, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन इसके इक्वल होती है। उसके बाद 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है किसकी, इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, ये हम पहले भी देख चुके हैं काफ़ी दफ़ा, ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल होती है। और साथ में प्लस सी लिख देते हैं या सी वन लिख देते हैं, क्योंकि हम आई वन फाइंड कर रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई कॉन्स्टेंट तो आएगा ही, क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया है और इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम आई टू पे आते हैं, आई टू की भी इंटीग्रेशन करते हैं, आई टू किसके इक्वल था, I2 इक्वल टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये अभी हम इस पे देखते हैं, एनालाइज करते हैं थोड़ा सा कि हम इसको किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखें इसको भी हम अगर चाहें तो नीचे फंक्शन अगर कंसिडर करें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, तो ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए तब जाके हम थ्योरम बना सकते हैं, ठीक है। तो नीचे जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, टू एक्स प्लस टू बनता है, तो टू एक्स तो ऊपर मौजूद है प्लस टू, अब हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं थ्री को, ऐसा मैं करता हूँ कि टू एक्स प्लस टू प्लस वन, इस तरह से थ्री को मैंने यानी कि लिख दिया टू प्लस वन के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ से आप डिनोमिनेटर एज इट इज आप लिख रहे हैं टू एक्स प्लस थ्री, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम बहुत आसानी के साथ इसको सेपरेट कर सकते हैं, कि टू एक्स प्लस टू को मैं अलग से कर दूँ, टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रैकेट में भी कर दूँ तब भी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि टू एक्स प्लस टू को मैंने अलग से इसको डिवाइड कर दिया, प्लस वन डिवाइडेड बाई बच गया वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इन दोनों को इंटीग्रेट अब हमने करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, साथ में dx आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से देखें कि ये तो चले बन चुका है थ्योरम, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसको हम लिख सकते हैं नेचर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री के इक्वल, ठीक है। अब इसका हम क्या करें, इसको किस तरह से इंटीग्रेट करें, नीचे फंक्शन अगर कंसिडर करें ऊपर तो डेरिवेटिव है नहीं या कोई और इस पर डायरेक्ट फार्मूला लग नहीं रहा, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको फैक्टराइज कर लेते हैं या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए जो है इसके स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। मतलब कि एक्स स्क्वायर को मैं लिख दूँ कि एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन, ठीक है, टू एक्स बन गया, तो प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी इसमें वन है तो वन का स्क्वायर मैं ऐड कर देता हूँ, इसी तरह से माइनस भी कर देता हूँ, खुद से मैंने वन ऐड किया है तो खुद से मैं माइनस वन स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, और प्लस थ्री एज इट इज, ठीक है, और ऊपर डी एक्स भी मौजूद है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इन टर्म्स वो देखें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन प्लस वन स्क्वायर, तो ये क्या बनता है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बनता है, हम इसको लिख लेते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब बाकी क्या बच गया, थ्री माइनस वन इज टू, तो प्लस टू आ गया इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा अब इसमें हमने क्या करना है कि ये तो चले स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्यों स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये भी आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी जब मैं ये लिख लूंगा। तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर आप लें तो वो टू के ही इक्वल आता है, बाकी ये टर्म जो है इसी तरह से नीचे आती जाएगी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको लिखता हूँ वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है, मैंने यानी कि इस टर्म को उठा के यहाँ पर रख दिया, इसको यहाँ पर रख दिया, दरमियान में प्लस का साइन है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, अब आपको समझ आएगी कि अगर आप इसको कांस्टेंट कंसिडर करें ए, ठीक है, इसको आप वेरिएबल कंसिडर करें एक्स, तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का बन जाता है, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन जो है वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बन जाती है। तो चले हम ऐसा करते हैं, मैं कंप्लीट लिख देता हूँ। यहाँ पर था नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, उसके बाद प्लस है और ये टेंजेंट इनवर्स बनता है, लेकिन उससे पहले वन ओवर ए टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, एक्स इस केस में एक्स प्लस वन है और ए इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ टू है, ठीक है, और साथ में प्लस सी टू इसको कह देते हैं, और ये आई टू की इंटीग्रेशन हमने ली है। तो अब आपने क्या करना है, आई वन और आई टू की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, इन दोनों की जगह आपने पुट कर दी है, और पुट करके आपके पास जो है इसकी इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो जो हमने रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, आप खुद से पुट कर दीजिएगा क्योंकि अब लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ।